नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गर्मी के इस सीजन में शहर से गांव तक हर रोज बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कब जाएगी और कब तक आएगी इसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है। तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती जैसे हालात बने हुए हैं। इससे लोगों की दिनचर्या के साथ कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को फिरोजाबाद जिले के शुकवाहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। सूरज का पारा चढ़ने के साथ साथ बिजली का संकट गहरा जा रहा है। शहर में सुबह से बिजली की आंख में चोली शुरू हो जाती है। यह क्रम देर रात तक चलता रहता है, जिससे लोगों का दिन का चैन और रात की नींद गायब हो जाती है। इसी को लेकर व्यापारियों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देते हुए मांग की कि नगर में जो भीषण गर्मी में विभाग द्वारा लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, वह तत्काल बंद की जाए, क्योंकि बिजली की कटौती से कारोबारियों के कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही लोग भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि नई केबल को बिछाने का काम सर्दी के मौसम में किया जाए। अधिशासी अभियंता ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाकर कटौती को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान अजय मित्तल, प्रिंस जैन, अरुण गुप्ता, विकास गुप्ता, राहुल यादव आदि लोग मौजूद थे। तो देखते रहिए C20 न्यूज। जो है अपनी समस्याएं के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, जिसमें जो है जो कटौती जो रेगुलर कटौती के अलावा जो कटौती हो रही है उसके संदर्भ में कहा गया, और जो कार्य बिजली विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं उसका एक प्लान स्ट्रक्चर के द्वारा उनका अनुरोध किया गया है, जिसपे जो है जिसपे हमारा भी एक पॉजिटिव रुख है और उनका भी। उनकी समस्याओं को देखते हुए हम एक इस तरह की जो है एक वो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को जो है अच्छी बिजली 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 सुचारू रूप से मिल सके। सर, उपभोक्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? उपभोक्ताओं के द्वारा ये बताया गया है कि जो है कि जो मार्केट के अंदर जो है काम वाम चल रहा है, फिलहाल उसको 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, तो उनके उस पर संबंधित संस्था को ये कह दिया जाएगा कि वो जो है फिलहाल के इस मौसम में इस तरह का कोई कार्य न किया जाए, जिससे जो है लोगों को जनमानस को परेशानी का वो होना पड़े। ये चीज धन्यवाद। जो शहर में अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है उसके मैटर में, उसके संबंध में जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के, तो एक्सचेंज साहब के पास आए हुए हैं। इनसे ये समस्या पूछी गई है, जो शहर में रोस्टिंग का टाइम है उसका टाइम क्या है और वो टाइम क्या है, आप अपना टाइम बताएं, उस हिसाब से ना देखा जाए। और पानी की जो सप्लाई होती है उस टाइम पे कोई भी रोस्टिंग नहीं करी जाए, ना उसकी कटौती करी जाए, और कोई भी काम लाइन बदली जाए तो पहले वहाँ की जो जनता है उस जनता से पहले पूछा जाए, हाँ भाई ये टाइम है, ये पहले पूछताछ, बिना मर्जी जब आए तब केबल डाल दी, बिना मर्जी आए तब रोस्टिंग कर दी, क्या रोस्टिंग का टाइम है? जनता को मालूम होना चाहिए रोस्टिंग का टाइम क्या है, तो जब मन में आए तब वो काम कर देते हैं। उसी समस्या को लेकर व्यापारी आए हुए हैं, व्यापारी की समस्या वो एक्सचेंज साहब को बताई है। एक्सचेंज साहब ने कहा है वो हम टाइम आपको निर्धारित कर रहे हैं और कल वो मीडिया में बता दिया जाएगा पूरी बात। तो अभी पत्रकार साथी भी हमारे यहाँ पे साथ आए, उन्होंने पूरी अपनी जानकारी दी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपने छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप कम खर्च में बड़े टीवी चैनल की तरह विज्ञापन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी टीम 24 घंटे आपके सहयोग के लिए तैयार है।